हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एम बी वर टॉक दिस इज़ योर को होस्ट मोहम्मद अदनान सेकेंड नीयर एम बी बट एट खैबर मेडिकल कॉलेज आज हमारे खास मेहमान हैं श फैसल तबानी हमारे सीनियर फाइनल ईयर एम बी बटूडेंट एट खैबर मेडिकल कॉलेज सबसे पहले असल वालेकुम असल बहुत शुक्रिया आ, मैं स्टार्ट करूँगा आपकी इंट्रोडक्शन से सो so, सबसे पहले आप हमें बताएँ कि आपने मेट्रिक और एफ इसी कहाँ की सी एंड हाउ यू एंड एट के एम सी तारफ़ तो आपने मेरा कर दिया है नाम मेरा शफेसल ताबानी है और मर्दान और रस्तम के बीच एक शाबाजगढ़ और रस्तम के बीच एक गाँव है लेंडियन में उसका इससे तल्लक रखता हूँ इब्तदाई और वसी तालीम मैंने गाँव के सरकारी स्कूलों से की है इसके बाद जो मेट्रिकुलेशन हैवी तालीम वो मैंने गाँव के करीब एक दूसरे गाँव है उसमें एक प्राइवेट स्कूल है वहाँ से किए हैं इसके बाद आला सानवी तालीम जो थी ए पी एस सी यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के शहर से की है और इसके बाद चिप के जो तालीम है तो वो मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से जारी हो के अहतितमाम की तरफ़ रवा दवा सही देखिए हम के का जिक्र करें तो इस्लामिक सर्कल का जिक्र ज़रूर करेंगे शफेजल तबानी बाई के एम सी सर्कल के प्रेजिडेंट हैं तो हम उनसे जानेंगे कि हाउ यू इन डब टू स्टार्ट दिस असल में इस तरह हुआ था कि जब मैं खैबर मेडिकल कॉलेज में आया तो सोसाइटी में शामिल तो नहीं हुआ था लेकिन जितनी भी सोसाइटीज़ के मख्तल सरगर्मियाँ हो रही थी तो उनमें मैं शामिल हो रहा था वहाँ पर डिबेट्स क्लब में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो वहाँ मुझे एहसास हो गया कि आर्ट के हवाले से ज़ुबान के हवाले से मुख्तिफ तहजीब और सकाफत के हवाले से मख्तलिफ़ सोसाइटीज़ काम कर रही हैं तो क्यों कर ये मुमकिन नहीं है कि हम एक रिलजस या इस्लामिक सोसाइटी के हवाले से भी काम करें ऐसा हुआ इसके बारे में जब मैंने सोचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ एक दोस्तों के दो दोस्तों के साथ मशुरा करके तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि काम तो मुश्किल है लेकिन मैं इसके लिए कम से कम मैंने कोशिश जारी रखी और दो साल कोशिश करने के बाद और इस पर हर जाविये से सोचने के बाद उस वक्त के जो हमारे रिश्ते जावेद मैदाज साहब उनके जो दोस्त उमेर साहब बरशद हमारे और सीनियर्स मतहर बशीर हमजा ओस्मान बकर मुहबी मेरे क्लासमेट वली जैब इनके साथ मैंने मशावरत की और फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हम इस प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं तो खसूस जावेद मैदा साहब की मदद से इसका क़ियाम दफ्तरी तौर पर जिस वक्त नूर लिमान साहब रोसत हो रहे थे तो उस वक्त मुमकिन हो सका इसके पीछे जज्बात यही वाबस्ता है कि इंसान जब किसी माशरे में जाता है किसी दूसरे माहौल में जाता है तो वो उस माहौल से तस्वर लेता है वहाँ की जो सरगर्मियाँ होती हैं वहाँ की जो लोगों के प्रायरिटीज़ होते हैं वो इंसान को मुतासर करते हैं हम हम अगर सोचें तो हम एक माशरती हैवान है और हम समाज से और माशरे से असर लेते हैं तो ये नहीं है कि इस्लामिक सर्कल का मकसद ये था कि हम कोई आलिम बनेंगे हम कोई मुफ्ती बनेंगे मकसद सिर्फ ये था कि हमें एक रिमाइंडर हो कि हम जहाँ भी जाएंगे तो कम अज़ कम जो हमारा दीन है अल्लाह के साथ जो तल्लु है ऐसा नहीं है कि हम इसको एरिलेवेंट बनाएं आज कल मसला ये हुआ है यूथ के साथ कि जब किसी नए माहौल में जाते हैं किसी नए माशरे में जाते हैं तो वहाँ जो दीनी हसियतें होती हैं उसको हम एरिवेंट बनाते हैं तो सबसे पहले तो दीन खुदा मज़हब और खुदा की मारे पर ये इंसान का जहती मसला होता है इनमें सबसे पहले ये मेरा अपना मसला है कि मैं ये देखूँ कि दीन मेरे लिए किया है तो इसके क़ियाम का सबसे अवल मकसद भी ये था कि कम अज़ कम मेरे लिए ये रिमाइंडर मौजूद हो कम अज कम मैं जो है अपने रास्ते से ना हटूँ और फिर ये कि दूसरों को भी ये रिमांडर मौजूद हो तो इसी सोच और इसी जज्बा की वजह से फिर इसका क्या मुमकिन हो सका और इसके जो फाउंडेशनल कैबिनट में लोग थे तो मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने जो जिस वक्त मेरा जिस तरह साथ दिया है तो वो अलफाज के बयान से कासर है ये के एम सी की बात हो रही है जिस तरह मैंने कहा ना आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो पाँच सालों में आपने बहुत कुछ देखा होगा बहुत कुछ सीखा होगा तो आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट एक्सपीरियंस एड के एम सी के एम सी से आपने क्या सीखा है तो मेरा मैं अगर दीनात के साथ अपने यहाँ पाँच साल अल्फाज महतसर में बयान करूँ तो मैंने यहाँ पर जो कुछ किया है जो वक्त भी गुजारा है कम अज़ कम मुझे अपने हर किए पर कोई गिल्ट और रिग्रेट नहीं है इन्हें जिस जब भी मामला सामने आ रहे थे जब भी क्लास में कोई काम होता था जब भी हमारे कोई एक्टिविटीज़ होते थे जब भी हमारा कोई इलेक्शन वगैरह होता था मैं इन मामला पर थोड़ा प्री सार्ट रहा हूँ यानी कुछ सीनियर्स भी ऐसे थे कि उनके मशवरे बहुत फ़ायदेमंद रहे हैं तो जहाँ पर एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है कि कम अज़ कम अपनी ज़ात के हवाले से जब मैं सोचता हूँ तो मैं मुतमिन रहता हूँ यह बात ठीक है कि एकेडमिक के हवाले से हालात ज़रा लाटेन है लेकिन बाकी जहाँ यहाँ पे जिस तरह मैंने ज़िंदगी गुजारी है कम से कम मैं पलट कर देखता हूँ तो मुझे बहुत इतमान होता है स्कूल cool. एक और बात जो मैंने वाद भाई ने मुझे असल में बताई थी कि के एम सी आ के ना फर्स्ट ईयर में हर एक बंदे को एक मिनटोर की ज़रूरत होती है आई वुड लाइक टू आस्क यू कि अगर आप किसी की मिनटोर हुए लाइक एक बंदा है जो फर्स्ट ईयर एम बी बी एस में आता है के एम सी आप उनकी मिनटोर हुए तो वट वुड यू लाइक टू क्या मैं उनको ये बताऊँगा कि यहाँ पर आप बुनियादी तौर पर पढ़ाई के लिए आते हैं और पढ़ाई के साथ आप एक माहौल में रहते हैं इस माहौल में मख्तलिफ मसाइल का आपने सामना करना होता है मख्त लोगों से आपने मिलना होता है उनके मख्तफ तजीबात होते हैं मुशाहदात होते हैं वो मख्तलि तहजीब और सकावत साथ लेकर आते हैं यानी यहाँ पर आपने सिर्फ ये नहीं है कि मतलब आप अपने जो इलाके से आए हैं तो उसके जहाँ पर जिस तरह ज़िंदगी आपने गुजारी है तो यहाँ पे आप उसी तरह ही रहेंगे इस तरह नहीं होता यहाँ पर आप एक मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ के साथ आपके तल्लु पैदा हो जाता है मैं मशवरा अगर दूंगा तो वो यही दूंगा कि इंसान को अपनी फितरत से जंग नहीं करनी चाहिए सही। इस बात पे आप अंदाज़ा कीजिए कि ये हैं कि आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हैं आप पढ़ाई के लिए फोकसड रहें यानी आपको लोग बताएंगे कि नहीं आप पढ़ाई के तो आपका मेन कंसर्न नहीं है जस्ट छेल और मज़े करें और ये सब कुछ होता है तो ये इट्स जस्ट लाइक मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बातें हो सकती है शायद हमने भी सेकेंड ई ईयर में किसी जूनियर्स वगैरह को की हो लेकिन दैट्स नॉट फाइन दूसरा ये है के लोगों के साथ आपके मामला आते हैं यहाँ पे मसला यह होता है कि के एम सी को जब लोग लो 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 आते हैं तो दो और तीन दिन नहीं गुजारे होते हैं और एक दोस्त के साथ सेल्फी लेते हैं और फेसबुक पे चढ़ा के कहते हैं कि माय वी पी एफ बेस्ट फ्रेंड फॉरवर इन्हें इंसान के साथ आपने खाना नहीं खाया है इंसान के साथ आपने सफर नहीं किया है इंसान के साथ आपकी खुशी और आम के दिन नहीं आए हैं और आप ये फैसला करते हैं कि हमें बेस्ट फ्रेंड फॉरवर है फिर सात दिन नहीं गुज़रे होते हैं कि एक दूसरे को दिल के राज भी एक दूसरे के सामने रखते हैं और फिर चौदह दिन नहीं गुज़रे होते हैं कि ये बातें भी शुरू हो जाती हैं कि क्लास में सीन है सीन नहीं है क्या सूरत हाल है exactly. तो ये मैं ये नहीं समझता कि ये स, हमेशा इस तरह ये स, सब कुछ अपनी ज़ात में बुरा होता है लेकिन ये आगे कुछ नतज पैदा करते हैं जब आप दूसरे साल में जाते हैं तीसरे साल में जाते हैं फिर वह आपको अंदाज़ा होता है कि मुझे इन बातों में एहतियात कर लेना चाहिए था मुझे इन कामों में एहतियात कर लेना चाहिए था तो जूनियर्स को या अगर मैं किसी का मिनटोर हूँ तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई के साथ आनस रहें दूसरा आप इन मामलों में जल्दी ना करें यानी कोई जाता नहीं है कोई जाती भी नहीं है आपके दोस्तों के साथ भी आप अगर किसी दोस्त के साथ एक दोस्ती बनाने की सोच में है तो ये आप देखें कि वो मामलात में किस तरह आपके साथ हैं आपकी खुशी और गम के अयााम में उसका रवैया किया है दस्तरहान पर जब उसके साथ आप बैठते हैं उस वक्त उसका रवैया किया है इन सब टेस्ट एंड ये सब टेस्ट करा के जब इंसान को आप पास करते हैं तो वहीं आपका सही भी फेक होता है बी पी एफ कहते हैं ना सही <laughs> <चाहिए> तो <हुँ। laughs> सही और ये बहुत जरूरी चीज है आगे जिंदगी के लिए ना वरना ये ना हो तो बहुत से ट्राम से लोग यहाँ गुजर रहे हैं मैं इस क्वेश्चन को और ज्यौनलाईस... इस तरह दास्तान लोगों ने मेरे साथ शेयर की है कि मैं मैं जब खुद इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि लोग किन मसाइल से गुजर रहे हैं सही अच्छा मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा जनरल करूँगा अभी तो हम के की बात कर रहे हैं ना बट इफ़ आई आस्क यू अबाउट द कोड ऑफ लाइफ अब लाइफ की बात कर रहे हैं ना कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि वट इज कोड लाइफ फॉर द कोड ऑफ लाइफ तो बुनियादी तौर पर जनरली अगर हम बात करें तो यह है कि असल में आपकी जिंदगी में मकसद क्या है और आपके प्रायोरिटीज़ क्या exactly. है मकसद का जहाँ तक तल्लक है तो एक बंद इसको खुद तय नहीं करता वो हमारे हालक ने तय कर रखा है वाखल तो ज्जन्दून के जिन विनस की तहलीक मैंने नहीं की है सिर्फ मगर सिर्फ इस मकसद के लिए कि वो मेरी सच्ची मार्कत हासिल करे तो मकसद तो आपका तय हो गया ये जनरली भी हमें एक मुसलमान माशरे से बात करते हैं ना इसमें भी यही लोगों का मकसद है दूसरे आपके प्रायॉरिटीज़ किया हैं तो इन दोनों चीज़ों के साथ आपने मुहलस रहना है ये इसमें पेजि इस तरह आएँगे कि आप तोज़न कोएंगे आप अपने रास्ते से हटेंगे लेकिन कम से कम ये बात आप जहन में अच्छी तरह पूरे शूर के साथ बैठा लें कि आपने खुदा के साथ मामलों में कोई मुनाबिकत नहीं करनी है और आपके जो प्रायोरिटीज़ है आपने उनके लिए कोई कम्प्रोइज़ नहीं करने हैं हमारे साथ मसला ये हो गया है कि हम पेंडुलम की तरह एक सिरे पर खड़े हैं या दूसरे सिरे पर खड़े हैं ना हम खुदा के साथ ऑनेस्ट है ना हम अपनी प्रायोरिटीज़ के साथ के साथ ऑनेस्ट है और यहीं से वो मसला हो जाता है कि हम पे एक एक्सट्रीम पे होते हैं या दूसरे एक्सट्रीम पे होते हैं और ये जो अदल और तोज़ुन है ये बहुत मुश्किल से इंसान से एडजस्ट होता है तो कोशिश बहरहाल ये कर लेनी चाहिए कि मैंने तोज़ुन को खोना नहीं है जब ये कोशिश आप जारी रखेंगे तो खुदा भी आपके लिए रास्ते खोलेंगे और आप भी एक मकाम इस तरह आएगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब जो है कोई सामने कोई रुकावटी मेरी नहीं आ सकती और अब सामने की रुकावट ही मुझे अपने मंजिल से हटा भी नहीं सकती एक कोशिश बाहर हल जारी जाएगी सही लेकिन मोड ऑफ कोड ऑफ लाइफ की बात हो रही है ना तो आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसर एक इंसान की ज़िंदगी में वो रिलीजन ही होता है नॉर्मली आप एग्री करेंगे मेरे साथ बिल्कुल तो आई वुड लाइक टू आस्क यू के रिलीजन व्हाट वुड यू से अबाउट रिलीजन बीइंग इन लाइफ हर एक इंसान की ज़िंदगी में एक रिलीजन होता है जो वो फॉलो करता है सो हाउ एक्चुअली द रोलो रिलीजन वट द वट इज़ द रोल दैट रिलीजन प्लेज इन लाइफ देखिए इंसान के मख्तल वजूद होते हैं इन्हें एक हमारा एक खेवानी वजूद है जिस तरह ये जानवरों का भी होता है इसके भी कुछ तकाज़े हैं इन्हें बतन और फर्ज के तकाजे होते हैं इन्हें मैंने अपने पेट के लिए कुछ पैदा करना है मैंने रोज़ी के तलाश के लिए कुछ कोशिश करनी है बिल्कुल इसी तरह हमारे एक दूसरे तकाज़े बिल्कुल जो हमारी जबिलत है वो जिनसी तस्किन है इन्हें जिनसी तस्किन के लिए भी मैंने कुछ सामान कर रखा है ये हमारे ये हमारे में भी है और ये जानवरों में भी है वो भी जो है रोज़ी वो भी जो है रस्क के लिए कोशिश करते हैं वो भी अपनी जिनसी तस्कीन की जरूरतें पूरी करते हैं अब इन जानवरों से ये जानवरों का जो हैवानी वजूद है और हमारा जो हैवानी वजूद है इसमें फ़र्क किया है ये हमारा अकली और अखलाकी वजूद तय करता है और हमारे अकली और अखलाकी वजूद के लिए असल रोशनी जो आती है वो मजहब मुहैया करती है मजहब को आप बीच से निकालते हैं तो आप अखलाक वजूद के लिए कोई उशूल तय पा नहीं कर सकते इन मेरा अखलाकी वजूद ही मुझको बताता है कि ठीक है आप तो रजक तलाश कर सकते हैं छुरी करके भी लेकिन अखलाकी वजूद मुझे बताता है कि ये तरीका ठीक नहीं है इसमें आप इस्तेमाल करते हैं लोगों की हक तले भी करती हैं जिनसी तस्किन में किसी तरीके से भी हासिल कर सकता हूँ आप सिर्फ़ अगर हैवानी वजूद के तकाज़ा के हवाले से सोच लें तो मैं जिनसी तस्किन किसी तरीके से भी हासिल कर सकता हूँ लेकिन मेरा अखलाक वजूद मुझसे यह तकाजा करता है कि आपने सिर्फ़ इस उम्र में नहीं रहना है आपने आगे जो है खानदान कायम करना है आप बाप बनेंगे आपके बच्चे होंगे इस इदारे को कायम रखने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इन जिनसी तस्किन को भी जानवरों की तरह हर जगह से पूयम न पूरे ना करें तो अगर आप इंसान की बदन पर सोच ले तो ये दो ही चीज़ें हमें हम बुनियादी तौर पर डामिनंट हैं ना और इन दोनों के लिए अखलाक वजूद के लिए उसूल चाहिए और अखलाक वजूद के लिए मेरे लिहाज से तो ये जो रोशनी मुहैया होती हैं ये सब मजहबी से होती हैं तो इसलिए यह ज़रूरी इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इन्फ्लुनसर है इंसान की ज़िंदगी में आई वुड से कल्चर तो आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि कल्चर जो है इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं तो फर्स्टली मैं आपसे सिर्फ कल्चर के बारे में पूछूंगा कि हाउ वुड यू डिफ़ाइन कल्चर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा रखूँगा जी डिपनीशन से हट कर मैं इस पर बात करूंगा कि हर इंसान एक माशरे में बड़ा होता है उससे एक तहजीब होता है एक सकापत होती है तो वहाँ के तहजीब और सकाफत एकदार होते हैं डिपनीशन में हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लंबा होता जाएगा तहजीब और सकापत हमारे लिए बहुत बुनियादी और अहम चीज़ें मुहैया करती है इन्हें तहजीब और काफ़त से अगर मेरी वाबस्तगी नहीं है तो मैं अपने माशरे के लोगों के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता जानवर भी जहाँ रहता है तो वहाँ एक उसूल होते हैं और उसका उस उसका इतबाव करते हैं इंसानों के लिए भी ये जरूरी है कि वो अपने तहजीब और कापत के बारे में सेंसिटिव रहे यानी आपके कुछ तहजीबी और सकापत इकदार होते हैं उसके बगैर अगर आप उसको बीच से निकालेंगे तो उस माशरे का आप हिस्सा नहीं बन सकते इसी तरह दूसरे माशरों के जो तहजीब और सकापत के केदार हैं उससे भी की जरूरी है ये हमारे अंदर टॉलरेंस पैदा करता है यानी अगर मैं आपकी तहजीब और कात से खबर हूँ तो मुझे यह अंदाजा होगा कि ये चीज़ तो मेरे ापत में नहीं है लेकिन आपके सकापत में तो है तो मैं उसको अगर डील करूँगा तो उसी हवाले से डील करूँगा सिर्फ मसला यह है कि सकात और तहजीब किया हमारे लिए हर पर आहर है तो हमारे लिए हर पे आहर ये नहीं है अब यहाँ पे मसला आता है कि लोग कहते हैं कि सकाफत और मज़हब के साथ क्या करेंगे तो सकापत और मदहब का तो तसा नहीं है हम सिर्फ उधर देखेंगे कि कोई सकाफत वाकई में खुदा और रसूल के कवानीन के साथ अगर तसादम हो रहा है तो फिर मजहब का और दीन का हमसे तकाजा है तो उस वक्त पर हम सका और तहजीब को कर्बान करेंगे क्योंकि दिन का स्परिट यही है कि अल्लाह और रसूल के लिए आप सब कुछ कर्बान करने के लिए तैयार होंगे बाकी दो हमारे जो तहजीबी और कापती रसूत हैं शादी और बयाँ के मौके पर कोई बड़ा आता है उसको ट्रीट करने के मौके पर महल्ले में हम किस तरह लोगों से पेश आते हैं उसके मौके पर हमारे जो महबी रसूमात है ईदेन के मौके पर रमज़ान आ रहा है त्रावीश के मौके पर अवतारी के वक्त हम पड़ोस का जिस तरह ख्याल करते हैं ये जो मजहबी हमारे इकदार हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के लिए और हमारी अखलाकी वजूद की पाकीदगी के लिए नहायत जरूरी है और ये सब नागजीर है और हम सबको इनकी ज़रूरत है जहाँ पर इंसान को लगता है कि तसादम है तो तसादम की सूरत में पे एक बंदा मोमिनका रवैया ये होना चाहिए कि वो मज़हब की इतवा करें देखिए का हमें ज़ाहर भी करते हैं अभी एग्जाम ये है ना एग्ज़ाम में तो लोग बहुत हजीज़ के स्टेटस चढ़ाते हैं ना एग्ज़ाम्स के बाद इस मेडिकल कॉलेज में एक पेश आता ना। है ना फिर हम मनाते हैं दिन मनाते हैं इट्स नॉट बेट आप किसी सखावत का इजहार करते हैं कर ले। ले। लेकिन अगर यहाँ पर आप महसूस करते हैं और आप दिल से इस बात पर मुतमन है कि कुछ चीज़ों में हमारा तसा मज़हब के साथ आ रहा है तो एक बंद मोमिन की हैसियत से मेरा मशवरा भी ये होगा और यहाँ से मुतालबा भी किया गया है कि फिर हम मज़हब के साथ खड़े हो जाए अनएपोलिजेटिकली कड़ा हो जाए इसके लिए बहानों की ज़रूरत नहीं है कि हम फिर बैकवर्ड लगेंगे हम स्टोन एज इन्हेबिटन लगेंगे और हम कंजर्वेटिव लगेंगे ये वो शैतान की धोखे हैं जो खुदा के सामने उन्होंने कहा है कि मैं उनको आपके रास्ते से हटाऊँगा तो इसी मौके पर फिर मज़हब को मजहब के साथ जुड़े रखना चाहिए बाकी तहजीब और सकापत जिस तरह के हमें पानी और ख़ुराक की जरूरत है इसी तरह इन सब चीज़ों की भी हमें जरूरत है तब तबानी भाई आपने बैकवर्ड की बात की ना कि लोग बैकवर्ड समझते हैं मेरे एक अपना नजरिया है कि हर एक सकाफत के हर एक कल्चर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं और हर एक एलिमेंट के फिर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इसमें से कुछ वेरिएबल होते हैं कुछ कांस्टेंट होते हैं आई बिलीव कि जो वेरिएबल होते हैं अगर वो वक्त के साथ साथ चेंज ना हो जाएं, तो देट्स व्हाट वी कॉल ए ट्रेडिशन तो जिसको नॉर्मली ट्रडिशन जो होता है वो एक कल्चर या एक कम्यूनिटी की बैकवर्ड मतलब उसको पीछे धकेलने में बड़ा अंसर सबित हो सकता है तो हा वुड यू Differentiate बिटवीन tradition एंड कल्चर वो चीज़ें जो सकाफत में चेंज होनी चाहिए अगर वो चेंज नहीं हो रही हैं तो इसको हम ट्रडिशन कह सकते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहें देखिए यह कुछ चीज़ें दौर के साथ खुद जो है चेंज हो जाती हैं कुछ उसको कुछ चेंज करने की ज़रूरत होती हैं आप सिर्फ ये देखें जब आप कोई तब्दीली की तरफ़ कदम लेते हैं तो उस तब्दीली की वजह से आपके बुनियादी अनासर तो मुतासर नहीं हो यानी मिसाल के तौर पर आप एक सकाफत के अंदर इस तरह कोई तब्दीली ला रहे हैं जिससे ये साबित होता है कि आपके जो खानदान के रवायात और अकदार हैं वह मुतासर हो रहे हैं यानी मियाँ बीवी का जो इदारा है ये मुतासर हो रहा है या दूसरा कोई इस तरह आंसर मुतासर हो रहा है जिससे एक पूरे माशरे बेचैनी की तरफ जा सकती है तो फिर उस तब्दीली के बारे में ज़रा इंसान को आ, हसास रहना चाहिए बाकी बहुत सी तब्दीलियाँ हैं जो हम हाँ अपनी सकावत में देखते हैं कि हम चेंज करते रहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में देख लें हमारे माँ बाप जिस पोजीशन में है बहुत से रवायात इस तरह है बहुत से रसूम इस तरह है बहुत से रवाज इस तरह है जो तब्दील हुए हैं और ये जो तारीखी अवामिल होते हैं ये खुद इसके लिए मौका तला मौका दे देते हैं कि वो तब्दील हो जाती है ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सकावत में तब्दील नहीं होती बहुत सी चीज़ें हम तब्दील करते हैं और तब्दील होनी चाहिए भी इन्हें बहुत सी कमज़ोरियाँ हमारे सकाफत के अंदर मौजूद हैं, हमारी रवायात के अंदर बहुत सी कमज़ोरियाँ मौजूद हैं ऐसे तो कोई इनकार नहीं है ऐसे लोग भी मुतासर हुए हैं हमारे बड़े भी मुतासर हुए हमारे हवातीन भी मुतासर हुए हैं तो इनको तब्दील करना कोई बुरी शे नहीं है लेकिन इसको आप इस तरीके से तब्दील करेंगे कि आपके पास कोई लाल नहीं है आप बाहर से कोई लाल आकर उसके जरिए तब्दीली करेंगे और इससे आपके पुण, आपके जो पूरा खानदान का स्ट्रक्चर और अदारा है वो मुतासर हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल में ये कोई मकूल तब्दीली नहीं है बाकी जो भी तब्दीली हम समझते हैं कि हमारे दीन के लिए हमारे हालात के लिए हमारी दुनिया की तरक्की के लिए बेहतर साबित हो रही है तो उसको तब्दील करना कोई पाबिल होगा को जो नहीं चाहेगा तब्दीली की ही बात चल रही है ना तो एक आम वर्ड जो हमारे टर्म जो हमारे सामने आता है नॉर्मली ना मॉडर्निज्म लोगों ने पता नहीं किस किस डिफीशन के साथ उसको ना मनसूब किया है तो आई वुट इज मॉडर्निजम फॉर यू या मॉडर्निटी क्या है अच्छा मॉडर्निटी आजकल की और मेरे ख्याल में फैनिज्म के बारे भी में सवाल होंगे ना <laughs> इसको सबसे तो में कर ले इससे पहले अगर कोई सवाल हो तो वो पहले कर अच्छा तो हम थोड़ा सा डिस्कशन को शिफ्ट करेंगे बैलेंस इन लाइफ की तरफ जिस आपने बहुत सारी गुफ्त भी बैलेंस इन लाइफ वो सी मूड ऑफ लाइफ में अगर आप और करें तो बैलेंस इन लाइफ भी यह है कि आपके प्रायोरिटीज़ क्या है तो उसको आप किस तरह देखते हैं यानी बैलेंस इन लाइफ अगर आप ये कहें कि मैं पढ़ाई के साथ रिलीजन को किस तरह बैलेंस कर रहा हूँ तो वो ये है कि असल में आप चीज़ को सीख ले आपसे अगर मैं सवाल पूछूँ कि मेडिसिन के साथ हम ऑनेस्ट क्यों हैं यानी बंदा बैठा होता है सुबह आता है रात तक यू वर्ड पढ़ता है बोस पढ़ता है ये क्यों करता है असल में वो वह समझता है कि इसमें मेरे लिए समझने की कोई शे है वो इस बात पे पहुंचा है कि इसका मेरे मुस्कबिल के लिए फायदे हैं तो वो साथ आनेस भी है मजहब के बारे में हम अक्सर सवाल करते हैं कि देखिए मैं तो कोशिश करता हूँ मैं तो नमाज़ भी पढ़ता हूँ तहजुद के लिए बुढ़ता हूँ बहुत दुआई भी करता हूँ लेकिन वो रोशनी दिल में आती नहीं है असल वजह है कि हमने इस चीज़ को समझा नहीं है हम अपने नमाज़ पर र कर ले तो हम समझते नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं बस हम हे समझते हैं कि गोई हम कोई रकात का तादाद है बस वो पूरी कर लेते हैं बाकी हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एक खुदा के साथ एक जिंदा मुलाकात है ये सिर्फ दो ही मौाक़ हैं जिसमें खुदा से आप मुलाकात करते हैं एक क्यामत के अंदर एक नमाज़ के अंदर जिस जि 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 इन दोनों मौक़े पे आप और खुदा के बीच कोई ख़ायल नहीं होता तो हम इसको भी नहीं समझते कुरान के साथ हमने मामला कर रखा है कि इसको हम समझते हैं कि अगर कोई बंदा मर जाए तो इस सारे सवाब के लिए पढ़ ले आ, कोई दुल्हन जा रही है तो उसके सर पे रख ले बाकी ये मामला हमने नहीं किया है जो हम दीगर किताबों के साथ करते हैं ये नहीं अगर दीगर किताबों के साथ जो हमारा मामला है इसका आश्रशिर भी हम रिलजन के साथ कर ले तो उसको हम समझ जाएंगे और इसको जब आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए मुमकिन होगा कि इसके लिए आप कोई कोशिश करेंगे इसको मेटेन रखने के लिए उसको सस्टेन रखने के लिए तो फिर आप बैलेंस के बारे में सोचते हैं एक चीज़ को आप समझते ही नहीं हैं वो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटी ही नहीं है तो इसको आप किस तरह बैलेंस करेंगे इस तरह बैलेंस नहीं होता तो जो भी आपकी ज़िंदगी के लाया आमल है सबसे पहले ये चीज़ ज़रूरी है कि आप शौरी तौर पर इस चीज़ को समझ लें जब आप समझेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि अगर इस चीज़ से मैं हटूँगा तो मेरे लिए मुश्किल क्या हो सकते हैं मेरे लिए दुनिया और आहरत के मसायब क्या हो सकते हैं तो ये चीज़ें जब शौरी तौर पर आपके जहन में हों तो फिर आप अपनी दुनिया को भी और अपनी जो आपकी आहिरत की हवाले से जितनी चीज़ें भी मुतल है उसको आप जानेंगे भी उसका एहसास भी आपके पास होगा उसके न होने के अंदेशे भी आपके सामने होंगे फिर आपके लिए मुमकिन होगा कि आप उसको बैलेंस रख सकेंगे भाई मैं गुफ्तु गुफ्त को गुफ्त तुरसा अगले मोड़ पर ले जाना चाहता हूँ हमने सुना है कि लोग आपको ना फंडामेंटलिस्ट कहते हैं तो मैं मैं खुद भी जान क्योंकि एक क्वेश्चन भी मुझसे हुआ था ना तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि वट इज़ एक्चुअली फंडामेंटलिज्म ना मैं तो फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ फंडामेंटलिज्म अगर आप इसको समझते हैं कि मैं कुछ खास रवायात या कुछ चीज़ों के बारे में उनके साथ इस तरह स्टिक हूँ कि उनके बारे में कोई दूसरी राय में भी बर्दाश्त नहीं करता नहीं। तो ये तो मैं नहीं समझता कि मैं इस तरह हूँ इस गुप्तगू से भी मालूम हुआ वो जितने भी लोग समझ हैं कि मैं इस तरह हूँ कि असल में जितने भी इजम्स हैं और जितने भी इज़म्स के बाद इस्ट बनने हैं वो फंडामेंटलिज्म हो वो सेकुलरिज्म हो वो लिबरलिज्म हो वो पेमेज़म हो और इसके बाद फंडामेंटलिस्ट बनना हो सेक्कुलरिस्ट बनना हो फेमिनिस्ट बनना हो इन सारो एस्ट और फराम बिल्कुल अच्छा फेमिनिजम की बात की ना तो आप किस स्टांस हम जानना चाहते हैं फेमिनिजम देखो हर एक बंदी की एक होती है तो वुड लाइक टू नो कि लाइकिजम के बारे में आपका क्या ख्याल अच्छा फेमिनिजम और मॉडर्निटी इस पर मैं ज़रा तफसील के साथ बात करूँगा तफसील तो नहीं होगा असल में ये जो वेस्टर्न हिस्ट्री है इसको हम इसकी हम ट्राई पार्शल डिवीजन करते हैं अच्छा एक क्लासिकल दौर है जिसको आप ग्रीको रोमन दौर कहते हैं फिर एक मेडिवियल दौर है और फिर जो है मॉडर्न दौर है मॉडर्न दौर जो है ये असल में पंद्रह से उन्नीस तक या पंद्रह के बाद जो दौर है इसको आप मॉडर्न दौर कह सकते हैं इसमें जो 1600 सो से 1900 तक दौर है इसमें ये रेनासेंस और एनलाइटमेंट और ये चीज़ें चल रही हैं ये मॉडर्निटी और मॉडर्निज्म ये सब चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं सबसे पहले जो गलत फेह में दूर करना चाहता हूँ यही है कि हमारे लोग जब मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी का नाम सुनते हैं तो वो ये ख्याल करते हैं कि मतलब कोई जदीद तरह ज़िंदगी मतलब आप पेंट शर्ट पहनते हैं तो मॉडर्न है exactly. आप बर्गर खाते yeah. हैं तो आप मॉडर्न हैं exactly. तो इस तस्वर के साथ तो मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकता हूँ इसी तरह फेमिनिज़म yeah. का जब हम ना सुनते हैं तो फ़ौर यह ख्याल करते हैं कि yeah. गोया यहाँ पे एक हमेशा वमेन को ओप्रेस रखा गया है yeah. और इसका yeah. मतलब यह है कि ये वो वाद हल है जिसमें ये मुमकिन है कि औरतों के हकूक़ हासिल हो जाए तो जिस जो लोग इसको भी सिर्फ औरतों को औरतों के हकूक़ समझते हैं कि फेमनिज़म औरतों के हकूक़ तो उनके साथ भी मैं इजहार हमदर्दी ही कर सकता हूँ असल में ये नज़रियात का जंग है ये मॉडर्निजम और मॉडर्निटी और इसकी ये शाएँ हैं फेमिनिजम लिब्रलिज़म साइंटिज्म रेशनलिज्म सेकुलरिज़म ये सारी इसकी शाएं हैं इस पर मख्तल फिलासफर ने बड़ा काम किया है इन ये मार्ब में ऐसा नहीं है कि एक बाहर नज़रियात थे उनके लिए तबलीग हुई है उनके लिए किताबें लिखी गई हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये नज़रियात जहाँ से आए हैं और जो लोग लाए हैं तो वहाँ से हम इसको समझें जो इसके पाइनियर्स हैं उन्होंने इसको डिफाइन किस तरह किया है उसको लिया किस तरह है वहाँ से समझे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि इज़म्स क्या है असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ यह है कि इज़म्स पैदा किस तरह होते हैं ये जितने भी इज़म्स हैं इज़म्स माहिर में लगाते जाए ये असल में रद्दल की नफसियात से पैदा होते हैं आपने गौर किया होगा कि उस दौर में लोगों ने कहा कि मज़दूरों के साथ बड़ा हो रहा है ये मज़दूरों के हक़ मारे जाते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये असल में जो इंडिविजुअल लोग अमीर हो जाते होते चले जाते हैं तो गरीब और गरीब होते चले जाते हैं तो ये जो इंडिविजुअल लोगों की इकानमी और प्रॉपर्टी है ये सर होने इसे से होनी नहीं चाहिए बच्चे सब कुछ तो हुकूमत के पास होना चाहिए और वो, वो सब वो हर किसी को इक्वल प्रोवाइड करें इस पर भी बड़ी बातें हो रही हैं कि तो है ये तो कल मार्स ही है जिन्होंने ये इंसानी तारीख की एक बड़ी अनोखी दरियाफ़ की कि असल जो तबाही है इसकी वजह तो यही है तो इसके नतीजे में फिर क्या हुआ वो भी दुनिया के सामने है अब दुनिया खुशी मनाती है कि इससे हैर पाली हैं इसी तरह फाशिज़म का एक दौर चल गया इन्हें लोगों ने ख्याल कर दिया कि निज़ाम तब ठीक होगा कि एक सरबराह हो एक बादशाह हो और उसकी हर बात के सामने आप सर तस्लीम हम कर ले इसके लिए अगर दस बीस हज़ार लोगों को मारा भी जाए तो मारा जाए पचास और साठ हज़ार लोगों को जेल में डाला जाए तो डाला जाए इनकलाब तभी आएगा लेकिन क्या इस फाशिज़म की वजह से फिर दुनिया में कुछ मुमकिन हो सका इससे भी कुछ मुमकिन नहीं हो सका तो मैं फेमिनिज़म को भी और ये जो मॉडर्निज़म है और फेमिनिज़म में इनको भी सर रदल की नफसियात के तौर पर देखता हूँ असल में हमारे माशरे में इस बात में कोई शक नहीं है कि खातिन के साथ जुल्म हुआ है बिल्कुल हुआ है हर लिहाज से हुआ है उनको तालीम का हक़ नहीं दिया गया है उनको विरासत से महरूम रखा गया है शादी के मौके पर तो अब भी उनको यह हक़ नहीं दिया जाता कि उनकी बात सुन ली जाए या उनके जो चॉइस है उसका कोई ख्याल रखा जाए तो जब इस तरह के महरूमियाँ होती हैं और इस तरह के मजालम होते हैं तो इसके रद्द अमल में फिर इंसान जो है कोई कदम लेता है ये अपनी ज़ात में कोई बुरी चीज़ नहीं है ये फेमिनिज्म का जो फर्स्ट वेव आप देखते हैं ना वो भी इसी मकसद के लिए है। कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है उनको वोट का हक़ नहीं मिल रहा तो ये अपनी ज़ात में कोई बुरी चीज़ नहीं है लेकिन इसको जब आप आगे ले जाते हैं और आप वहाँ पर आप जब अदम और तोज़ुन खो जाते हैं तो वहाँ से असल में पसाद पैदा हो जाता है और ये असल में तोज़ुन का खोना एक तोजुन का बरकरार नहीं रखना होता है जिससे सारा पसाद पैदा हो जाता है तो अब अगर आप दौर दौरकर में मुख्तर तौर पर आपको बताता हूँ कि मॉडर्निटी या मॉडर्नजम हमको ये बताता है कि हम वक्त के साथ साथ प्रोग्रेसिव बनते चले जा रहे हैं यानी आज का जो हमारा दौर है ये हमारे कल के दौर से बेहतरीन है ये हमारे सौ साल के दौर से बेहतरीन है और अब हम जो है सही तरीके से इवाल कर रहे हैं हालांकि लिहाज से भी तबी लिहाज से भी लेकिन फिर इसमें बतौर मुसलमान कुछ सवाल पैदा होते हैं और सवाल इस तरह है कि मॉडर्नज अगर एक सवाल पूछा जाए कि हम यह दुनिया को दु समझने के लिए हमें खुदा की जरूरत है तो मॉडर्निज्म और ये जो नज़रियात है सेकुलरिज्म वग़ैरह ये आपको जवाब भी देगी कि, कि खुदा की हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है वी हैव साइंस वी हैव एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन वी डोंट नीड गॉड इस तरह अगर कोई सवाल पूछे कि हमें गुड पीपल हमें अच्छे लोग आ, अच्छे लोग हो अच्छे अच्छे लोग होने के लिए हमें खुदा की ज़रूरत है तो कहेंगे कि नहीं वी नीड टू है रिस्पेक्ट फॉर एवरी ओपीनियन देर एवरी वन इट Sorry. अगर इस तरह सवाल पूछा जाए कि हम सोसाइटी को प्लेश करने के लिए हमको एक खुशी की जिंदगी गुजारने के लिए खुदा की जरूरत है नहीं वी हैवे लॉट ऑफ प्रोग्रेस वी हैव दिस इंफ्रास्ट्रक्चर वी हैव हैवाल्व सो मच वी हैव ट्रेन वी हैव एयरप्लेन्स ये खुशी है दिस इज हैप्पीनेस वी डोंट नीड बैक स्टोरीज फ्रॉम द पास्ट 1400 इयर्स <laughs> तो ये वो रवैये हैं जो इन फलसफे ये फला फलसफे जब आप पढ़ते हैं और इन इज़म्स की मुताल आप करते हैं तो फिर बहसीत मुसलमान पर आपने इसका एक इस इनमें से एक का इंतब करना होता है तो इसी तरह भी ये जो फेमेज़म है इसका क्या भी इस तो मैं बात ये करन, करना चाह रहा हूँ कि जो फेमनज़म जिस रवैये की वजह से पैदा हुआ है वो बुरा नहीं है वहाँ मसले भी हैं उसका इदरक भी मुझे हैं इसका एतराब भी मैं कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में बहुत से मसले तय और बहुत से मसले हैं लेकिन अब जिस तरह के हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं मैं समझता हूँ कि वहाँ भी वहाँ पर हम तोज़न खोते हैं यानी मिसाल के तौर पर अगर एजुकेशन का हक हाँ किसी औरत को नहीं दिया जा रहा तो इसके लिए ज़रूरी है कि मैं बाहर से किसी इजम की तरफ हल के लिए जाऊँ अभी हम भी तलीम कर रहे हैं ना हमारी बहनें भी तलीम कर रही हैं ना हमको किसी इज़म ने बताया है कि आप उन पर तालीम शुरू करें तो ये हम अपने समाज और अपने रिवायात और अपने मजहब की तालीम से भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं मिसाल के तौर पर विरासत पर हक़ नहीं मिल रहा शादी के लिए उसके चॉइस माना नहीं जा रहा तो इसके लिए किसी इज़म की ज़रूरत है या ये चीज़ें ऑलरेडी मौजूद है और हमारे रवि में मसला है असल में हमारे रवि में मसला है ये चीज़ें सीख लेने चाहिए तो असल में जब आप एक खास इज़म और इस तस्वर के शिकार हो के इस मसले की हल की कोशिश करते हैं तो वो किस तरह आप करते हैं इससे कुछ महतलिफ स्टेजेस हैं है। मैं अक्सर वो बताता हूँ ये पहले स्टेज में तो बंदे को ये अंदाज़ा होता है कि वाकई ज्यादतियाँ हो रही हैं म हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए ये बिल्कुल एवरी वन अपीलिंग टू एवरी वन और स्टेज में जो है बंदा इसके लिए यही सोचता है कि मैं तो उनके जो जायज़ मसाल है उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ एंड देर इज़ नो इशू विद दिस मैंटेलिटी लेकिन आगे क्या होता है आगे फिर ये होता है कि हम फिर ये ख्याल करते हैं कि दूसरे स्टेज में कि यार हकूक की बात तो हमने की लेकिन हम पे भी नहीं मिल रहे वो जो फैमिलिज्म असल में जिससेटी की बात कर रहे हैं वो इक्वलिटी तो हमें पे भी नहीं मिल रही देखिए ये जो इस्लामिक पोस्टर है इसमें तो सिर्फ मेल्स की पिक्चर है फ़ीमेल क्यों नहीं है ये जो मस्जिद में खुतबा देता है ये सिर्फ मुस्लिम मैन क्यों देता है वोमेन क्यों नहीं देता हमारे जो कुरान में सी इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो मर्दों को ज़्यादा क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं फिर ये क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ पर फिर भी मसला रुकता नहीं है फिर आगे जाके फिर कुछ और इतराज़ात करते हैं फिर सोचते हैं कि देखिए ये मसला ये जो लोग बोलते हैं कि मदहब में इसका हल है दीन में इसके बारे तालीम है ये झूठ है असल में अगर आप मजहब को सोच लेना ये भी मीजो गाइनस्टिक है कुरान को आप देखें ना ये जो वेटनेस की बात हो रही है कि वेटनेस में औरतें दो और मर्द की एक वेग। वेग। वेटनेस है या फिर अस कर ले रवायात में हम सुनते हैं कि औरतें ज़्यादा नफरमान होती है तो वाई दर फोकसन सो इट मीन्स दिस ट्रेडिशन हेज़ द प्रॉब इट मींस दिस स्क्रिप्शन प्रॉब्लम सेंग एज़ द प्रॉब्लम और इससे आगे चल के फिर एक मरहला यह आता है कि फिर खुदा के बारे में भी ये सवाल पैदा हैं देखे कुरान में अल्लाह जो अपने आप को महात करता है तो वो जेंडर न्यूट्रल क्यों महातुब नहीं करता वाई ही इज़ यूजिंग वर्ड ही फॉर न्यूट्रल तो ये चीज़ें जब आप ये ये तब होता है जब आप फेमिनिजम को उसी तरह जो फेमिनिस्ट लेते हैं उसी चक्कर में आप इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं तो इन स्टेजस से आप जाते हैं और इन स्टेज़स पे आप जब छः पहुँच जाते हैं और जब इस आखिरी स्टेज पे आप पहुँच जाते हैं कि यह है या तो कुरान में भी पीजो गायनस्टिक्स आएंगे यहाँ भी, भी हमको इग्नोर किया है गॉड भी अपने लिए जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करता तो फिर इसके बाद जो तो है थोड़ा सा बस एक बंदे को देखा चाहिए कि वह अरतदाद की तरफ निकले तो मैं ये नहीं कहता है कि पेमेनज़म का आगाज़ कुछ बुरी वजह से हुआ है मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ मसाइल नहीं है हमारे यहाँ मसाइल भी हैं लेकिन हमारे यहाँ मसाइल का जो हल है उसको इसके लिए भी अल्लाह ने हमें अक्ल और शूर दिया है उसके इस्तेमाल करते वक्त हम अदलवर तोजन न कोए मैं बस इसके बारे में यही हो और यही कहता हूँ बाकी ये जितने भी इज़म्स हैं और इज़म्स के बाद जितने भी एस्ट बनने हैं मैं इनसे खुदा की फरह मांगता हूँ और सिर्फ एक चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि ये जो फेमिनिज़म है ना ये तो जाहिर है इसके पैनियर्स होंगे ना इनके जो पानीयर्स होंगे वो असल में कहते हैं कि ये जो हमारे मसले हैं ना ये असल में मज़हब की वजह से है ये तो यहाँ लोग ख्याल करते हैं कि इसका मतलब है like, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंटोनी से आई कैन नॉट इमेजिन अ गॉड ऑफ द यूनिवर्स मेड हैप्पी बाय मी गेटिंग डाउन ऑन नीज एंड कॉलिंग हिम ग्रेट मैं नहीं इमेजन कर सकता कि ये मेरे लिए क्या फ़ायदा रखता है कि मतलब मैं कोई सजदा करूँ तो और मैं ये कहूँ कि अल्लाह बड़ा है तो इसका क्या फ़ायदा है ये ये फेमिनिज्म के फाइनियर्स है जिन्होंने मुख्तिक वेवज़ में इस पर काम किया है इसी तरह एक फर्स्ट वेव फेमरिस्ट और नाइन्टीन सेंचुरी की है एक और हेलन एच गार्डनर वो क्राइम्स और एब्यूज के बारे में पता है क्या कहती हैं वो कहती है क्रिश्चियनिटी और बाइबल के बारे में कि दिस रिलीजन एंड बाइबल रिक्वायर अपन एवरी थिंग एंड गिव हर नथिंग कि वुमेन से तो ये हर चीज़ का तकाजा करती है लेकिन वुमेन को बदले में कुछ नहीं दे दें ये मजहब के हवाले से उन लोगों का रवैया है और हम असल में उनका नज़रिया लेके आगे चलते हैं इसी तरह इसमें एक और जो है वे ऑफ पेमेस में एलिजब के डिस्टेंटन वो एक बाइबल लिखते हैं वुमेन्स बाइबल इसका मतलब है कि वोमेन्सल आज आजकल शायद पेमेन एक कुरान भी लिखे कि वोमेंस कुरानस कुरान क्या है इसमें तो हमारे लिए कुछ नहीं है नॉर्मल कुरान में हमें वोमेंस कुरान लिखना चाहते हैं इसी तरह आ, साय मन और ये मुख्तिक लोगों ने अजीब अजीब ग्लोरिया स्टीनम यह सेकेंड वेव पेमेस है वो भी कहती है कि ये जो है असल में मसले जो है वो मजहब की वजह से है स्टीनम से एक सवाल पूछा गया था कि वट डू यू थिंक द बिगेट प्रॉब्लम विद पेजम टूडेज आपको पता है कि उसने इसके बारे में जवाब किया दिया है वट वी डोंट टॉक अबाउट इन इज यानी आप तो कहते हैं कि औरतों के हकूक का मसला है ना हम भी समझते हैं कि हकूक का मसला है लेकिन आपके जो पाइनियर्स के वो कहते हैं कि असल में जो मसला है उसके पास को तो इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करते दैट्स रिलीजन आई थिंक दैट स्परिचुअलिटी इज़ वन थिंग बट रिलीजन इज़ जस्ट पॉलिटिक्स इन द स्काई आई थिंक वी रियलीव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट गैन पावर फ्राम साइलेंस तो ये आपके फाइन के नज़रियात है एंड दर इज अनरफर मेरी डेली एंडिजन इज एक्ट दिन और हम कहते हैं कि नहीं रिलीजन ये काम नहीं करता जैसा हमारे रविये हैं ये इस तरह के काम करते हैं तो ये कोई औरतों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना बुरी चीज़ नहीं है लेकिन इस नहज पर आप उठाएँगे जिस तरह के माह उठा रहा है या जिस तरह के फेमिनिज्म के पाइनियर उठाएँगे तो फ़ायदे से ज़्यादा इसका आप नुकसान करेंगे और जिस हकूक और जिस तहरीक और जिस जद जहत में भी खानदान का इदारा मुतासर होगा ये जितना पसाद पैदा करेगा ये दुनिया की तारीख़ में इस तरह कोई पसाद और अच्छा, नहीं अच्छा सही है अच्छा तबाने भाई हमने इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला था वहाँ से कुछ क्वेश्चन भी नहीं जो कि मैं आपसे करूँगा आप शॉर्ट आंसर दे दें Uh, सबसे पहले है कि जर्नी ऑफ कमिंग क्लोजर टू अल्लाह so, इस पर तो हम तब ही बात कर सकेंगे जब हम अल्लाह के क्लोज हो मैं तो अपने मामल को जानता हूँ अल्लाह के साथ कि वो इतनी कितनी कम, कमजोरियों के शिकार है मैं इस पोजिशन में अपने आप को नहीं समझता कि इस पर कोई <laughs> बात चले दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू ओवरकम थॉट्स ऑफ फेलियस इन पास ड्यूरिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस दुनिया को पहले आप समझ लें कि ये आजमाइश और इम्तहान की जगह है इसमें अगर इस ख्याल से आप रहेंगे कि मुझे कोई मुश्किल नहीं आएंगे मसाइब नहीं आएंगे, फेलियर्स नहीं आएंगे, तो आप पागलों की जन्नत में रह रहे हैं अल्लाह का कलाम हमको बताता है वलनबुल बमक वजुक व नकसम अल्लाह ने कहा है कि हम हाम हाँ आप लोगों का इम्तहान करेंगे आजमायश करेंगे ये खौफ के जरिए हम करेंगे बूक के ज़रिए करेंगे माल और अन की कमी की वजह से करेंगे जान माल नहीं होंगे समरात नहीं होंगे मीशत बर्बाद होगी ये सब इम्तहान हम आपके ऊपर करेंगे और आयर में कहते हैं बशर साबरीन यानी इन तमाम इम्तहान के बावजूद भी इंसान कदम रहा उन्होंने अपने, अपने अल्लाह को जाना उन्होंने अपने अल्लाह को इर नहीं बनाया उन्होंने अपने प्रायोरिटीज और अपने मकसद और गोल्स को इरेलीवेंट नहीं बनाया तो इस तरह के सबर की आयासल में सबित कदम है तो इस तरह के सबित कदम रहने वालों के लिए बचारत हैं तो ज़िंदगी में तो मुश्किल आते हैं जितने भी बड़े लोग आप देखते हैं और जितने भी कामयाब लोग आप देखते हैं इसके पीछे बड़े बड़ी मेहनत होती हैं और बड़े फेलियर से गुजरे हुए होते हैं तो इस को ये तो करना है कि आप समझ लें कि हर इंसान के साथ ये होना है मेरे साथ भी हुआ है मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूँ कि ये ज़िंदगी में आता है और ज़िंदगी इसके बाहर मुमकिन ही नहीं है और इससे आगे आप सफ़र जारी करें कोशिश में और अपनी जो जदोजहद है इसमें आप दानतदारी पैदा करें हर हवाले से इसके साथ ऑनेस्ट रहे कर दे के आपके लिए रास्ते किस तरह पहुंचे अच्छा तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू हील फ्राम इमोशनल एब्यूज़ इसके बारे में आप क्या कहना हाँ ये एक मसला है जो पिछले दौर से जो ट्रेडिशनल हमारा दौर गुजरा है इससे अगर हम हट के मॉडर्न दौर की तरफ आ जाए तो ये इसमें थोड़ा ज़्यादा है और इसकी भी शिकार अगर आप स्टेटस्टिक्स देखें तो खातन ज़्यादा है इस माशरे में जदीद दौर में भी आपके कॉलेज में भी इमोशनल एब्यूज़ के और ज़्यादा शिकार है इसमें यह करना चाहिए कि इंसान को पलट कर पीछे जाकर उस पहले कदम पर सोच लेना चाहिए जहाँ से इस इमोशनल एबूज का आगाज़ हुआ था ये तो ऐसा नहीं होता कि पहले दिन से शुरू होता है ना ये तो हम कुछ करते हैं और आखिर में एक नतीजा निकलता है कि एब्यूज हो जाता है तो उस पहले कदम पर आप सोच लें कि आपसे असल में क्या गलतियाँ हुई हैं दूसरे के बारे में तो आप पर कुछ नहीं कर सकते एबूस तो आपके साथ हो चुका है दूसरे ने आपका इस्तेमाल किया है आपके इस्तेमाल किया है कोई हक तैलपी की है उन्होंने की है आप सिर्फ ये देख लें कि आपके अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं आपकी क्या गलतियाँ हैं और फिर दानदारी के साथ उन गलतियों को आप मान लें उनको आप एक्सेप्ट कर लें ये मेरी गलतियाँ हैं और उन गलतियों पर काम करके उनको दोबारा रिपीट न करें और हर वो काम इंसान का ज़िंदगी में इस तरह के तजुर्बा और मुशाहदात से ही ये सीखता है तो इस तरह के वाक़ जब हो जाते हैं तो फिर आगे ज़िंदगी में कम अज़ कम इंसान को ये सोच लेना चाहिए कि ये दोबारा तो ये गलती में करके अपने आप को दूसरी मरतबा भी उस नहीं कर रहा सू आपने सुना होगा वो हमारी माएँ और बड़े कहते हैं पुश्तों में भी वो यार सड़े वो मुँगी हो पैरा डागरा हो रही मुगी सी या जनावर से पहले चढ़ गई अक्सर कार नाकार की है ना जो यार सड़िया भाई हो पैर दवा की गुजार हो रही वर्जी की क्या ना जो इमोशनली जिंदगी में मुश्किल न जिंदगी में मुश्किल हो ये चीज़ें हो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में मुश्किल ना आए आप इमोशनली इमोशनलीज़ ना हो ये सब चीज़ें आएंगे लेकिन होशियारी ये नहीं है कि ये भी ना आए होशियारी ये है कि आप दोबारा गलती ना करें आप दोबारा एगूस के व्यक्टम ना हो तो बस यहीं अपने गलती का एतराब कर लेना और फिर आगे जानतदारी के साथ जिंदगी की तरफ कदम लेना लास्ट क्वेश्चन में पूछूंगा सबमिशन टू तो गॉड अवे आउट ऑफ ऑल फियर एंड एग्जाइटी सबमिशन के लिए असल में जो इस्लाम हम कहते हैं या मुसलमान कहते हैं ना इसका मतलब भी यही है कि सब दिल्प गार्ड इस्लाम यही है कि सब मैशन टू दैलप गार्ड मुसलमान होने का मतलब यही है कि मैं अल्लाह के सामने सर तस्लीम हम करता हूँ सईद इब्राहीम ने इसको इस तरह बयान किया था कि इन इस्लम तबालमीन के आलमी के रब के सामने मैंने सर तस्लीम हम किया हुआ है जो एनजाइटी है या पेयर है या जो भी हमारे नफसियाती मसाइल हैं या जो नफसियातीझ हैं हमको ये बताया जाता है कि इसमें मज़हब का बड़ा किरदार है आप सबमिट होंगे तो ये मसाइल नहीं होंगे लेकिन हम सबमिट होकर भी जब सोचते हैं तो ये मसाइल होते हैं फिर वही बात आ जाती है कि हम सबमिट सही तरह के नहीं होते सबमिशन के लिए ज़रूरी है कि आप जिस चीज़ के सामने सबमिट कर रहे हैं इसको आप पूरे होशास के साथ समझते भी है कि नहीं है अगर आप समझते नहीं हैं और आप उसके आगे सबमिट कर रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल में कोई दानाई का दानाई का रास्ता नहीं है लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आप इसको समझें मैं सिर्फ सूरत पाते चंद मिसाले आपके सामने रखता हूँ और फिर हमारी सबसे बड़ी इबादत अल्लाह के साथ कनेक्शन जो है वह नमाज है अल्लाह हमारी सब ज़रूरतें उसी के पास है हम कहते हैं कि रब आलमीन वो आलमीन के रब है वो हमारे रब है हमारी सब ज़रूरतें उसी के पास है वो हमारे पालनहार है वो रहमान और रहीम है रहम की जितने भी दरवाज़े हैं वो मेरे लिए उसी के पास हैं मालिक यूम दीन फिर वो सबसे बड़ा बादशाह भी है ये दुनिया में किसी के साथ में तल्लु क्यों कायम करता जिसके साथ मेरी जरूरत हैं समझता हूँ कि ये मेरे मसायल हल कर सकता है मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए रास्ते निकाल सकता है उसके साथ मैं तल्लुक बनाता हूँ ना तो मैं पहले पहले कदम पर यह बात सही तरह समझ लूँ कि अल्लाह के साथ ही हमारे मेरी सारी ज़रूरत ये है सारी ज़रूरतें मेरी अल्लाह के पास हैं इसके बाद हम खुद खुद वो हमको एक तरीका सिखाता है फिर आप जब ये बात मान लें कि हाँ मेरा दर तो सिर्फ खुदा का दर है तो इसके बाद आप क्या करते हैं आप खुदा को कहते हैं कि आया कना बद्या कन सईम भाई आप ही के दर पर आया हूँ देखिए मैं इबादताब की करता हूँ किसी की और की नहीं करता सर यह कनाज तयीर में मांगता भी आपसे हूँ एतात और बंदगी एतात और रस्तानत यही चीज़ें हैं जो सबमिशन के अवलिन इजहार है मैं तो किसी और के पास नहीं जाता आप जाके खुदा के साथ ये तल्लु कायम करें आप तन्हाई में बैठ के उसके साथ बातें करें झगड़े भी उसके साथ करें उससे मांगे कि मेरा और कोई जगह नहीं है देखे मैं कमज़ोर हूँ मैंने गलतियाँ की हैं मैंने सरकशियाँ की हैं लेकिन दर तो आप हैं ना मेरे जरूरतें तो आपके पास है मेरे ना आपने पैदा किया है ना कुछ तो रहाम कर लेना अगर फिर भी आपके साथ मसायल आ रहे हैं देखिए आपने कम अज़ कम उस उन उन लोगों में तो आ गए ना कि आप अल्लाह के आपने अल्लाह से सवाल कर दिया उन गदागरों में तो आप आ गए ना कि आप अल्लाह के सामने खुद को जलील कर दें अल्लाह के सामने आप जो है आजज़ी के अली दर्जे पर अपने आप को ले जाए तो सबमिशन इसी चीज़ का नाम है कि आप अपनी सारी जरूरतें उससे वास्ता कर दें उसको आप गार्ड सेंटर का हो जाए यानी मैं जब रात में नमाज मस्जिद में हूँ तो सिर्फ़ ये नहीं कि मैं उधर जो है सिर्फ अल्लाह को जानता हूँ या मेरे घर में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उस वक्त मुझे खुदा याद आ जाए नहीं मैं जब शुक्र के वक्त में भी होता हूँ यानी मुझे नमती भी होती हैं उस वक्त भी मैं खुदा को सामने रखूँ मैं बाहर बाजार जाता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ मैं क्लास जाता हूँ मैं किसी सरगर्मी जाता हूँ मैं किसी फन फेयर और स्पेट वीक में जाता हूँ तो वहाँ मुझे खुदा को एयरलिवेंट नहीं करना चाहिए हम इन सारों मौाकों पर खुदा को एयरेलीवेंट बना के फिर खुदा से गले करते हैं और हम कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं तो हम असल में काज और शन में मुसलमान हैं सबमिशन जो असल चीज़ है कि आप एतात और रानत और अल्लाह के सामने सर तस्लीम हम करना ये हम आहरी दर्जे के साथ करेंगे तो फिर हमें अंदाज़ा होगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हम कहते हैं कि हम तो अल्लाह के हो गए हैं लेकिन कुछ हो प भी नहीं रहा असल में आप अल्लाह के हुए नहीं हैं तानवी रम्लामाते हैं कि मुझे किसी ने पूछा कि ये जो अवाबीन है ये कौन सी नमाज है ये जो चाश के बाद रखाते होती है ये अवीन है या जो मारब के बाद रखाते होते हैं ये अवीन है उन्होंने कहा पहले ये तो बताएं कि अवीन भी किए भी हैं कि नहीं भी किए हैं कि ये पूछते हैं कि कौन से हैं ये जो तहज है यह रात के आहिरी फहर में अच्छी ज़्यादा बेहतर है या नसफ़ में बेहतर है उन्होंने कहा कि आप जो है रात के सोते वक्त पढ़ लें यह भी काफ़ी है असल मसला यह है कि हम अल्लाह के हुए नहीं हैं हमने अल्लाह की तरफ जाने का जो रास्ता है उस रास्ते पर सच्चाई का जो पहला कदम है वो भी हमने नहीं रखा है इसको हम पूरे शूर के साथ करेंगे और रखेंगे और इस चीज़ को समझेंगे और खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाएंगे तो फिर इसके बाद आप ये करके देख लें तो फिर एनजाइटी पेवर फेयर ये सब जो है इसी तरह के शूरी सबमिशन के साथ ही कर सारे ख़त्म हो जाते हैं तबानी भाई हमें एक मैसेज रिसीव हुआ ना इंस्टाग्राम पर फीमेल थी आई थिंक कि कह रही थी कि मैं तबानी भाई को फॉलो करती हूँ बहुत पहले से को कुछ यूं किया था कि हालांकि वो इस्लामिक सर्कल के प्रेसिडेंट हैं ये है मतलब उनके साथ जो जिन जिन से वो मुंसलिक हैं तो लाइक आई अप्रिशिएट दैट बट उन्होंने जो क्वेश्चन किया था ये किया था कि तबानी बाई दाढ़ी नहीं रखते नहीं वो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे भाई से हटा कर ये बात बताए कि

उलमा के दरमियान इसके बारे में इतनाब रहा है इस चीज़ पर नहीं कि दाढ़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस चीज़ पर कि दाढ़ी फ़र्ज़ है कि नहीं है जिस तरह के हमारी दीनी फ्राइज़ है दीनी परीजें हैं इस तरह दाढ़ी रखना कोई फ़र्ज़ है कि नहीं तो इस पर दोनों तरह की आराम मौजूद हैं आप अगर तफसीर से इस बात को जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर दो पोस्टें बेरट के बारे में मौजूद है दाढ़ी के बारे में और मैंने नहीं लिखे वो एक हमारे बाई हैं और वो बहुत इलमी बाई है मोमंदफान उनका असल में एक आर्टिकल है और वो मैंने दो पोस्टों में डिवाइड करके इंस्टाग्राम पर डाला हुआ है तो वो आप पढ़ लें इसके बाद किसी नतीजे पर आप पहुँचें तो इसके बाद आप फैसला कर लें बाकी मैं ज़्यादा बहाने नहीं बनाऊंगा इसको आप मेरी कमजोरी समझ लें लेकिन दाढ़ी के हवाले से ये जो कहा जाता है कि अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो आप 24 घंटे गुनाह में हैं आप अगर तवाब भी करते हैं तो आप गुनाह में हैं आप दाढ़ी नहीं रखते तो आप रसोल्ला वसलम के सीने पे छुरी जो है वो कहते हैं तो ये लोगों के जहनों की बातें हैं कुरान और सुन्नत में इस तरह की बातें नहीं हैं बाकी वो पोस्ट आप पढ़ लें मुखरमा को बताएँ चलें इसके, इसके साथ हम अपना ये फटकात खत्म करना चाहेंगे थैंक यू सो मच आ, शुक्रिया और अपने हमें ये अमकान मौजूद है मैं कोई फ्लासफ़र नहीं हूँ मैं कोई दीन का आलिम नहीं हूँ मैं जिस फ्रेंडम एक आप लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहा हूँ और मैं चीज़ों को पढ़ता हूँ समाज के बारे में और खासकर खानदान के बारे में और खासकर जिस माहौल में हम रह रहे होते हैं इसके बारे में मैं थोड़ा हसास रहता हूँ तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर या बात करता हूँ या इसके बारे में लिखता हूँ बाकी इस पोडकास्ट में भी इम्कान मौजूद है कि जो कुछ मैंने कहा हो वो शायद इसमें गलती मौजूद हो तो अगर कोई मेरी असला इस तरह करेगी तो करेगा और तो मैं